हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको ये कार्डिगन डिजाइन बताने जा रही हूँ। ये वाला, ये जो बना है कार्डिगन का डिजाइन डाली हूँ, टॉप डिजाइन कार्डिगन है, बहुत ही खूबसूरत बनता है। बच्चों के लिए 10 से 12 ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा लगता है ये। किसी भी चीज पे आप पहना सकती हूँ। ऊपर से हाफ हाफ टॉप डिजाइन, हाफ कार्डिगन टॉप डिजाइन, नीचे फ्रॉक टाइप का, ऊपर थोड़ा शेप में बन के आता है ये। ये देखिए, नीचे इसका ये बॉर्डर डाली हूँ, ऊपर ये डिजाइन, फिर इसके ऊपर इसका डिजाइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ फंदा घटने के बाद ये डिजाइन चेंज होगा। 10 फंदा यहाँ घटा दी हूँ मैं, 10-15 फंदा यहाँ पे मैं घटाई हूँ, 16। यहाँ मैं 90 फंदा डाली हूँ, नीचे 99 और ऊपर भी 99 है, और यहाँ 85 हो गया। ऊपर आके ये 85 फंदा हो गया। ये स्वेटर कार्डिगन का बैक साइड है। इसका मैं ये बॉर्डर ने ये वाला डिजाइन आपको बताने जा रही हूँ कि ये किस तरह से बनता है। देखिए, ये 12 के मल्टीपल फंदे से बनता है और 3 एक्स्ट्रा रखा जाता है। इसमें 99 है, इसमें मैं 36 और 39 फंदा डाली हूँ। देखिए, ये इस तरह से ये देखिए, ये फंदा डाल के मैं एक पीछे वाला उल्टा बीन चुकी हूँ। एक रो इसका उल्टा बीन चुकी हूँ डिजाइन डालने के लिए, आपको बताने के लिए। ये देखिए, ये रो है। अब देखिए, इसमें आप ये वाला पहला फंदा आप इस तरह से सीधा, पहला फंदा इस तरह से सीधा बिन, सीधा नहीं सॉरी, पहला फंदा आप इसका उल्टा बिनिएगा इस तरह से, फिर दूसरा इस तरह से सीधा, फिर तागा आगे कीजिए। ये वाला फंदा को इस तरह से घुमा के इस पे लीजिए और ये दो का इस तरह से एक कर दीजिए। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से यहां तक 9 फंदा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ क्या करना है, तागा आगे कीजिए आप। ये वाला को, ये बीच वाला देखिए, इस तरह से इसको इसमें डालिए और ये आगे वाला गिरा के इस तरह पीछे साइड से, बैक साइड से इसको इस तरह ले लीजिए और आगे वाला फंदा इस तरह से घुमा के इसमें डालिए और तागा इसी तरफ रखिए। फिर ये 3 को 1 कर लीजिए, ये 3 फंदा को देखिए इस तरह से बैक साइड से इसको 3 को 1 कर लेना है आपको। ये हो गया, फिर तागा आगे कीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर तागा आगे, नौ के बाद फिर तागा आगे कीजिए। देखिए, यहां से यहां तक 9 होना चाहिए। 1 यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे कीजिए। तागा आगे करने के बाद नौ फंदा के बाद तागा को आगे कीजिए। ये बीच वाला देखिए, इस तरह से इसमें डालिए और इस तरह से पकड़िए पीछे वाला, इसको इस कांटा पे डाल के इसको इस तरह से घुमा के इस तरह से डालिए और ये 3 को इस तरह से एक कर लीजिए। फिर तागा आगे कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ है 4 फंदा बच गया आपको, तो ये 2 को इस तरह से आगे साइड से डाल के इस तरह से एक कर लीजिए और फिर तागा आगे कीजिए, 1 यहाँ पे सीधा और तागा आगे 1 उल्टा। ये जैसे यहाँ शुरुआत होता है, 1 उल्टा 1 सीधा, फिर जाली, फिर 2 का 1 किए, इसी तरह यहाँ भी होता है लास्ट में भी।
सेम प्रोसेस से। अगर आप फंदा सही से डालिएगा तो एकदम एक्यूरेट उतर जाएगा आपका डिजाइन। अब ये देखिए, ये पीछे साइड इसका पूरे उल्टा ही चलेगा पूरे डिजाइन में, ये पीछे साइड पूरे उल्टा। अब ये डिजाइन का पीछे साइड उल्टा रो कंप्लीट हो चुका है, आ गया राइट साइड सीधा साइड डिजाइन का तीसरा रो। तीसरा रो में क्या करना है आपको, देखिए ये वाला तो उल्टा ही लेना है क्योंकि सिलाई में आ जाएगा आपका, ये उल्टा तागा पीछे एक सीधा, देखिए जाली वाला फंदा सीधा, फिर तागा आगे कीजिए, फिर ये दो को इस तरह से एक कीजिए, फिर इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः। अब फिर ये जो लास्ट वाला फंदा है दो, इसको इस तरह से आगे साइड से डाल के इसको इस तरह ले लीजिए, इस तरह से डालिए और इस तरह से लेके फिर तागा आगे कीजिए, फिर यहाँ पे जाली डाल लीजिए, एक दो तीन जाली हुआ, फिर तागा आगे कीजिए, फिर इसको इस तरह से घुमाइए, फिर ये इस पे जाली, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात नहीं देखिए गिन के हमेशा डालिएगा पीछे वाला में, पहला नौ या दो का एक किए, दो दो चार दो छः, अब ये दोनों को मिला के एक करना है तो सात फंदा आपका यहाँ बच जाएगा। देखिए इधर घट जाता है घटाने से दोनों तरफ से, इधर यहाँ जाली से बढ़ जाता है तो फिंदा फंदा बराबर हो जाता है आपका, एक दो तीन, फिर तक आगे कीजिए, फिर इसको इस तरह से घुमाइए टर्न कीजिए, फिर इसको इस तरह से इस पर घटा लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ, फिर ये दोनों को एक साथ इस तरह से देखिए, फिर यहाँ पे जाली, फिर एक दो और ये वाला फंदा उल्टा। देखिए डिजाइन का तीसरा रो कंप्लीट हो चुका है, अब फिर चौथा रो उल्टा ही चलेगा, इस डिजाइन में टोटल रो पीछे वाला उल्टा चलता है। अब ये डिजाइन का चौथा रो कंप्लीट हो चुका है, अब आ गया इसमें पांचवां रो। पांचवां रो में क्या करना है आपको, ये सेम प्रोसेस से बनाना है आपको, उल्टा ये वाला सीधा सीधा, जाली वाला भी सीधा, फिर तागा आगे कीजिए, फिर इसको इस तरह से घुमाइए टर्न करके, इसको इस तरह से ले लीजिए आप इस पे, देखिए अब ये दोनों को इस तरह से पीछे साइड से इस तरह से, एक दो तीन चार, चार हो गया देखिए, एक दो तीन चार, अब ये जो है ये दोनों को, ये जाली से पहले वाला दोनों को पीछे आगे साइड से, फिर तक आगे कीजिए, फिर ये जाली, जाली, फिर इस तरह से तागा आगे कीजिए, फिर इस तरह से जाली, ये डिजाइन का पांचवां। जाली लेना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका फंदा गट जाएगा और डिजाइन नहीं होगा, फिर खराब हो जाएगा डिजाइन, आप नहीं बना पाएंगे। फिर यहाँ पे जाली, फिर ये वाला एक उल्टा, फिर ये पांचवां रो हो गया। अब छठा देखिए, पांचवां रो इस तरह से बनेगा आपका, देखिए अब फिर छठा रो इसका उल्टा, पूरे उल्टा बिन के कंप्लीट कर रही हूँ। ये डिजाइन का छठा रो कंप्लीट हो चुका है, अब ये आ गया आपका सातवां रो। ये देखिए ये वाला उल्टा, फिर तागा पीछे, फिर एक दो दो तीन चार, ये चार हो गया, फिर तागा आगे कीजिए, अब ये दो को इस तरह इसको घुमा के फिर दो को एक कर देना है इस तरह से,
अब यहाँ था पांच फंदा आपका, दो इधर, ये बीच वाला सेंटर वाला जो फंदा है तीसरा वाला, दो इधर रह के तीसरा वाला में आपको बबल्स बनाना है। तो इसको देखिए, आप इसको क्रूस से भी बना सकते हैं और कांटा से भी बना सकते हैं, मैं आपको क्रूस से बनाना बता रही हूँ। इसको इस तरह से टर्न कीजिए पीछे साइड, इस तरह से आप ऐसे कीजिए और इस तरह से देखिए, इस तरह से लीजिए, दो तीन चार पाँच, देखिए डबल कीजिए, डबल कीजिए, ये देखिए छः, इस तरह से और इसको इस तरह से खींच करके इस तरह से एक कर लीजिए। अब इसको आप यहाँ ये वाला को इस तरह से काटा पे चढ़ा लीजिए। अब ये देखिए, अब ये पीछे से ये दोनों को इस तरह से बैक साइड से इसको एक कर लीजिए। ये हो गया आपका क्रूस से बबल्स, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा है। फिर इसमें यहाँ पे जाली डालिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर तागा आगे कीजिए, फिर ये दो को इस तरह से घुमा के इसको एक कर लीजिए। अब ये बीच वाला सेंटर वाला देखिए, दो इधर दो उधर हो गया, एक ये बीच वाला तीसरा वाला, इसमें फिर आपको देखिए क्रूस का है। अब इसमें आपको कांटा का मैं बना बता रही हूँ, एक तागा आगे कीजिए इसी को इस तरह से, दो तागा पीछे कीजिए इसी तरह से, तीन तागा आगे कीजिए इसी तरह से, चार फिर तागा पीछे कीजिए इसी तरह से, पाँच, पाँच करने के बाद इसको यहीं पे टर्न कर लीजिए। ये टर्न करने के बाद इस पाँचों को इस तरह से देखिए, इस तरह से एक बार ये ले लीजिए, ये हो गया आपका, देखिए फिर ये दोनों को इस तरह से देखिए, ये हो गया ये बबल्स, ये छोटा बनेगा, ये बड़ा बनता है क्रूस से। देखिए अगर आपको बड़ा बबल्स बनाना हो देखिए, तो इसको यहाँ देखिए, अगर इस तरह का बड़ा बनाना है तो इसको देखिए इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच कर लीजिए, फिर यहीं पे घुमाइए इसको, टर्न कीजिए, फिर इसको बुन लीजिए, एक दो तीन चार ये पाँच, फिर इसको आगे साइड कीजिए यहीं से पाँच बिनने के बाद, फिर इसको पहला वाला को इस तरह से बिन के इस पे डाल लीजिए, इसको दबा दीजिए, फिर ये इससे इसके ऊपर से, एक दो तीन चार ये इसके ऊपर से निकाल दीजिए। अब ये हो गया आपका इस तरह का देखिए, अब फिर ये दोनों को इस तरह से एक कर लीजिए, फिर यहाँ पे जाली डाल दीजिए, जाली वाला फंदा टोटल इस तरह से बिन के दोनों साइड जाली पड़ जाएगा सीधा ही सीधा, ये देखिए, फिर तक आगे कीजिए, फिर इसको इस तरह से घुमाइए, इसको इस तरह से देखिए, ये क्रूस का हुआ, ये कांटा का हुआ आपका बबल्स। अब यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो मैं क्रूस का बता रही हूँ, पीछे साइड से लीजिएगा आगे से नहीं, देखिए बिना नहीं है, इसको पहले ऐसे ही रख के इसमें आपको बबल्स बना लेना है, ये देखिए
तीन, चार, पाँच, छः, देखिए ये छः को इस तरह से देखिए, इस तरह करके इस तरह कर लीजिए, और ये वाला जो है ये आप इसको कटा पे डाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से कटा पे डालिए, और ये बबल्स देखिए कितना खूबसूरत लगता है, बबल्स तैयार हो जाता है बनके। फिर आपको ये दोनों को आगे साइड से इस तरह से एक कर देना है। फिर यहाँ जाली डालिए, यहाँ जाली पर जाएगा, फिर ये सब सीधा देखिए, और ये तागा आगे करके ये उल्टा। अब ये देखिए, ये मैं आपको कुरुस से बबल्स बनाना बताई हूँ, ये कांटा से और ये कुरुस से। देखिए आपको जिसमें अच्छा हो, इजी हो, वही उसी से आप इसमें बबल्स बना सकती हैं। देखिए मैं यहाँ कांटा से डाली हूँ, ये कुरुस का है, कुरुस का ज्यादा खूबसूरत बन के आता है। देखिए अब ये पीछे साइड उल्टा होगा, पूरे रो ये उल्टा ही होगा, ये हो जाएगा आपका डिजाइन पूरे कंप्लीट। ये रो बनने के बाद आठ रो का डिजाइन है। अब ये आठ रो का डिजाइन है, देखिए ये एक डिजाइन आपका कंप्लीट हो चुका है। यहां से देखिए ये एक डिजाइन, ये वाला एक, ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको दोबारा मैं फिर बता रही हूं कि ये किसको दोबारा आप इसमें डालिएगा कैसे, बस वही प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से ध्यान रखना, सिर्फ गिनना है, गिनती नहीं छोड़ना, इसको गिन गिन के डालना है। देखिए ये एक उल्टा, तागा पीछे, ये वाला सीधा, फिर तागा आगे कीजिए, फिर इसको इस तरह से पलटिए, फिर ये दो का एक कीजिए, फिर दो, तीन, चार, और ये बीच वाला जो है देखिए बबल्स वाला, ये पांचवा होना चाहिए, पांचवा फंदा हमेशा याद रखिए। अगर ये चौथा तीसरा हो गया तो आपका कहीं गड़बड़ हो गया, मतलब खराब हो गया आपका फंदा, कहीं घट गया। देखिए पांचवा, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ये हो गया आपका नौ फंदा। देखिए यहाँ से जाली के बाद से ये जाली छोड़ करके एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। अब यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, तागा आगे कीजिए, ये देखिए ये बीच वाला, देखिए इसको इस तरह से इस पे लीजिए, देखिए इस ऐसे उठाइएगा और इसको गिरा, हाथ ऐसे रखिएगा तो ये फंदा नीचे नहीं जाएगा। फिर इसको इस तरह से डाल के फिर ये तीन को इस तरह से एक कर लीजिएगा, फिर तागा आगे कीजिएगा, फिर यहाँ पे जाली, एक, दो, तीन, चार, पाँच, देखिए आ रहा है पाँचवा ये बबल्स वाला, छ, सात, आठ, नौ, फिर यहाँ देखिए ये बीच वाला, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पकड़िए और हाथ को इस तरह से रखिए, ये फंदा गिरेगा नहीं, ऐसे हो जाएगा। इसको इस तरह से पीछे साइड से डालिए और इसको इस तरह से, इसको तागा आगे करके यहाँ पे जरूर डाल, जाली डालिएगा। देखिए ये एक जाली, दो फंदा घट गया, एक जाली से यहाँ बढ़ गया, फिर एक जाली से यहाँ बढ़ गया, यहाँ घटाना नहीं है, पहला वाला में इसी तरह से खाली बिन लेना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, और ये लास्ट में देखिए यहाँ दो है तो इसको पहले ये दोनों को इस पीछे साइड से देखिए इस तरह से, यहाँ दो का एक कीजिएगा, फिर तागा आगे कीजिएगा, फिर इस पे इस तरह से जाली डालिएगा, फिर तागा आगे, फिर यहाँ भी इसी तरह से होता है शुरू में और आखिर में, दोनों चीज ये शुरू में और आखिर में दोनों एक जैसा प्रोसेस होता है, और बीच में इस तरह से। अब पीछे साइड का उल्टा, ये आठ रो का डिजाइन है, सेम इसी तरह आप पूरे बनाइएगा, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं, खास करके फ्रॉक डिजाइन में गर्ल्स का बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए
सेम इसी तरह आपका बनके तैयार हो जाएगा। देखिए जैसा ये एक है, ये एक है, ये दूसरा वाला यहाँ से डल गया, ये दूसरा वाला, तीसरा, इसी तरह सेम डालते ही चले जाइएगा आप जहां तक देना है आपको। मैं इसमें 9 डाली हूं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।